आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा है सॉलिड होमोजेनियस स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पार्टली रोलिंग एंड पार्टली स्लाइडिंग। कह रहा है एक ठोस होमोजेनस यानी समांग सब जगह एक जैसा स्फीयर ऑफ मास एंड रेडियस आर होना चाहिए था इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कह रहा है एक समांग ठोस गोला जिसका द्रव्यमान एम है त्रिज्या आर है एक क्षैतिज रफ मतलब खुरदुरी सतह पर मूव कर रहा है पार्टली रोलिंग एंड पार्टली स्लाइडिंग मतलब कुछ समय वो लुढ़क रहा है और कुछ समय फिसल रहा है। ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर कराए इस गति के समय इस गोले की चार विकल्प दिए गए हैं तो कह रहा है इनमें से कौन सी स्थिति सही होगी ये हमको बताना है। तो इसमें ध्यान देना है कि ये गोला कुछ लुढ़क रहा है और कुछ समय फिसल रहा है तो इन दोनों कंडीशन में लुढ़कने और फिसलने में किसी बाहरी बल का कोई रोल नहीं है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो कौन सी चीज कंजर्व रहती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व। तो जो कोणीय संवेग है गोले का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर जमीन और गोले का मिलन बिंदु है उस बिंदु के अबाउट एंगुलर मोमेंटम गोले का कंजर्व रहेगा यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो 96 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। तो इसको देख लेते हैं कह रहा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस इंक्लूड्स द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन लिनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व। ध्यान दीजिए दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि क्या रेखीय संवेग कंजर्व नहीं रहेगा तो चूंकि फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन में क्या होगा कि घर्षण बल है तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा तो इस वजह से लिनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा केवल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर फ्रिक्शन ना होता तो दोनों कंजर्व होते लेकिन एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि अगर फ्रिक्शन ना होता लुढ़कने वाली गति यानी रोलिंग मोमेंट मोशन भी नहीं हो पाता तो इसको ध्यान देना है। तो 96 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर एंड आर्क करेस्पॉन्डिंग टू ए 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। कह रहा है एक हमारे पास रिंग है वृत्ताकार जिसका द्रव्यमान एम है और रेडियस उसकी आर है एस आर्क करेस्पॉन्डिंग टू ए 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। अब क्या कह रहा है कि एक 90 डिग्री के कोण के बराबर उसका चाप निकाल दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए जैसे हमारे पास ये रिंग है अब इसके अगर हम चार पार्ट कर दें तो ये इतना पार्ट चूंकि 90 डिग्री का कोण है तो इतना पार्ट ये निकाल दिया जाता है इतना चौथाई हिस्सा मान लीजिए निकाल दिया जाता है। तो कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज के टाइम्स एम आर स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो कह रहा है कि जब ये चौथाई हिस्सा निकाल दिया गया 90 डिग्री कोण के बराबर चाप को यानी आर्क को निकाल दिया गया रिंग से
तो अब कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्जी यानी जड़त्व आघूर्ण बचे हुए भाग का कितना होगा किस आधार पर, जब उस रिंग से अभिलंबवत उसका अक्ष हो, एक्सिस उसकी परपेंडिकुलर हो उस रिंग से, और अगर पूरी रिंग जब थी उसका एम आर स्क्वायर हो, तो कह रहा है के टाइम्स के हिसाब से जो बचा भाग है तो वो कितने टाइम्स होगा, अगर उसमें बचे हुए भाग का के माना जाए तो एम आर स्क्वायर से कितने टाइम्स होगा के, ये हमसे पूछा जाएगा। इसको देखते हैं, बड़े आराम से करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि गिवेन द मास ऑफ द सर्कुलर रिंग इज एम, तो जो सर्कुलर रिंग है अभी जब पूरी रिंग है तो उसका द्रव्यमान एम है, और त्रिज्या उस वृत्ताकार छल्ले की आर है। कह रहा है वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, किसी वृत्ताकार छल्ले की जड़त्व आघूर्ण आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, ये एनसीईआरटी में हमने विधिवत पढ़ा है। अब कह रहा है कि एन आर्क करेस्पॉन्डिंग टू ए 90 डिग्री सेक्टर इन द सर्कुलर रिंग इज रिमूव्ड। अब 90 डिग्री मतलब चौथाई हिस्सा उस वृत्ताकार छल्ले का हटा दिया गया, मीन 1/4 पार्ट ऑफ सर्कुलर रिंग इज रिमूव्ड। कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री का मतलब एक चौथाई जैसा हम कह रहे हैं उसको हटा दिया गया, तो अब चौथाई हटा दिया गया तो अब उसका मास कितना बचेगा, तो पूरे का अगर एम है तो जो बचा भाग है यानी एम बाई फोर उसका कम हो जाएगा, भाई चौथाई हिस्सा हटा दिया गया तो चौथाई द्रव्यमान उसका कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है देन द रिमेनिंग मास ऑफ द सर्कुलर रिंग, देन द रिमेनिंग मास ऑफ द सर्कुलर रिंग एम डैश इज इक्वल टू एम बाई फोर। रिमेनिंग नहीं, रिमेनिंग का मतलब तो बचा हुआ, जो हटा हुआ है उसका है एम बाई फोर होगा। तो द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई डैश बराबर कितना हो जाएगा एम डैश आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई फोर, जो ये चौथाई हिस्सा हटाया गया उसका। अब अगर बची हुई रिंग का हमको मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है तो ये जो हटाया गया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, पूरी मोमेंट ऑफ इनर्सिया जब पूरी रिंग का था उसमें से अगर इसको घटा दिया जाए तो जो बची हुई रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकल आएगा। तो वही कर रहा है, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द रिमेनिंग पार्ट आई डबल डैश इज इक्वल टू आई माइनस आई डैश, तो पूरी का एम आर स्क्वायर है और चौथाई जो हटाई गई उसका एम आर स्क्वायर बाई फोर है, तो ये आ गया आई डबल डैश इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एम आर स्क्वायर। तो कंपेयरिंग विद आई डबल डैश इज इक्वल टू के एम आर स्क्वायर, अब अगर आई डबल डैश को के एम आर स्क्वायर माना जाए जैसा क्वेश्चन में दिया गया था कि के टाइम्स मान लिया जाए तो के का गुणा कर दिया गया, तो के गुणा गुणा या के टाइम्स उसी को अंग्रेजी में कहते हैं, तो के एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितना हो गई थ्री बाई फोर, तो के की वैल्यू थ्री बाई फोर हो जाएगी, तो 97 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 केजी एंड 20 केजी रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास। कह रहा है कि दो एक 10 किलोग्राम और एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तुएं हैं या ऑब्जेक्ट हैं, इनके दोनों सिरों को एक रिजिड मतलब ठोस रॉड से जो कि 10 मीटर लंबी है और उसका द्रव्यमान नगण्य है, उससे इनको दोनों को 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम को आपस में जोड़ दिया गया। तो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 केजी मास इज, तो कह रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की तरफ से अगर हम गणना करें तो सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी होगी 10 किलोग्राम वाले द्रव्यमान की तरफ से हमको बताना है। हम करेंगे, बड़े आराम से आएगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर बना लिया गया, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के दो बिंदु हैं और ये पूरी दूरी 10 मीटर है। मान लेते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र होगा। एक चीज ये ध्यान देना है कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा ज्यादा वजन या ज्यादा मास वाली वस्तु की तरफ होता है, इसको आप लोग नोट करिए।
तो देखिए द्रव्यमान केंद्र का मतलब जैसे इसको बैलेंस किया जाए तो कहाँ खूंटी लगाएंगे या कहाँ पर उंगली लगाएंगे कि दोनों बैलेंस हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि जिधर ज्यादा द्रव्यमान है उधर उंगली को ज्यादा उधर खिसकाना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट मान लिया है कि मान लीजिए कि इस बिंदु पर ये ओ बिंदु पर हमारी बैलेंस हो जाएगी राड। तो पूरी लंबाई 10 मीटर है तो 10 केजी की तरफ से हमको बताना है। तो इधर से बैलेंस पॉइंट मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो इधर कितना होगा 10 माइनस x हो जाएगा। तो अब सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मास x सेंटीमीटर बराबर m1 × m2 / m1 + m2। तो ये हमारा आ गया m1 कितना है 10 × m2 कितना है 20/10 × 20 क्योंकि नीचे जुड़ना है। तो ये आ गया 200/30 बराबर 20/3। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान की तरफ से 20/3 मीटर पर ये दोनों बैलेंस पॉइंट हमको प्राप्त हो जाएंगे या संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है एनसीईआरटी में, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस के लिए फार्मूला है, इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए और वैसे जो एनसीईआरटी में उसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया। अब क्वेश्चन 99 देखते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज। तो कह रहा है कि कोई हमारे पास एक डिस्क है यानी चकती है, वृत्ताकार चकती है। तो कह रहा है उसके रेडियस ऑफ गायरेशन की गणना करना है और चकती बहुत पतली है और रेडियस ऑफ गायरेशन की गणना कहाँ से करना है, अबाउट इट्स डायमीटर इसके व्यास के परितः। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो एक्सिस है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इसके केंद्र से गुजरे वो अक्ष एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन और इसके प्लेन से लंबवत हो और एक बार तो डिस्क के प्लेन के लंबवत हो और इसके केंद्र बिंदु से गुजरे और दूसरी तरफ इसके व्यास के परितः गुजरे। तो ध्यान दीजिए हम फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये डिस्क है तो इसको एक ऐसे बनाएं, इस तरह ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए डिस्क है तो इसके सेंटर से एक्सिस ऐसे गुजरे एक बार, तो इस तरह रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालना है। और एक बार मान लीजिए ये है तो इसके जो मान लीजिए ये व्यास है, ये व्यास है रेड डायमीटर, तो इस डायमीटर के परितः ये अक्ष गुजरे इस तरह से, तब रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होगी। तो दोनों का अनुपात हमको बताना है। तो देखते हैं इसको करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए पहली बार में अबाउट एट सेंटर, तो इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I1 = ½ mr² और इस डायमीटर के अबाउट होता है I2 = 1/4 mr². अब ये कैसे लिखा गया है इसको कई बार हम लोग निकाल के देख चुके हैं तो वैसे ही ये निकलेगा। तो I2 डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फार्मूला होगा 1/4 mr². यहाँ पर देखिए ये डायमीटर के अबाउट है तो ये कैसे, डायमीटर के अबाउट एक इसके सेंटर से तो सेंटर का ½ mr² और डायमीटर के अबाउट तो एक्सिस और डायमीटर के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो उसी के आधार पर हम लोग
इसको निकालेंगे, पीछे निकाल के कई बता चुके हैं, तो आई बराबर ये एम के स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई बाई एम। तो के वन अपॉन के टू इक्वल टू अंडर रूट आई वन बटे आई टू हो जाएगा। तो आई वन हमारा कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन आई टू कितना है, 1/4 mr2। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा और नीचे √2 हो जाएगा। तो कुल मिला करके और √2 रेशियो 1 आ जाएगा, K1 रेशियो K2। तो ये 99 का सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 rpm टू 3120 rpm इन 16 सेकेंड। तो कह रहा है द एंगुलर एक्सीलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज, कह रहा है एक फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील का मतलब इंजन जो देखे होंगे आप लोग, इंजन में जो पहिया लगा रहता है मोटा मोटा बड़ा सा, वो फ्लाई व्हील है। तो वो घूम रहा है एक समान कोणीय त्वरण से, और उसकी जो कोणीय गति है वो किस हिसाब से बदल रही है, 1200 चक्कर प्रति मिनट और से 3100 चक्कर प्रति मिनट 16 सेकंड में हो जाती है। समय दे दिया है 16 सेकंड, ओमेगा वन हमारी प्रारंभिक कोणीय गति 1200 rpm है और अंतिम कोणीय गति 3120 rpm। तो कह रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू हमको बताइए, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया प्रारंभिक कोणीय गति W0 बराबर 1200 rpm, अंतिम वाली W बराबर 3120 rpm और समय T बराबर 20 सेकेंड। तो हमारा फार्मूला होता है जो हमने पढ़ा है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एटी, जैसे वी बराबर यू प्लस एटी होता है रेखीय गति में, वैसे कोणीय गति में ये होता है। तो ओमेगा बराबर ओमेगा 0, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर एल्फा टी, यहाँ पर एल्फा होगा तो एल्फा बराबर हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटे टी हो जाएगा। अब ये वैल्यू रख देंगे सारी तो सॉल्व करने पे आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर इतने आरपीएम आ गए, यानी राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट ये लिखा गया है। अगर हम इसको रेडियन पर मिनट में बदलना चाहें तो एक राउंड में 360 डिग्री का कोण होता है, तो 360 को 2π लिख सकते हैं, क्योंकि 1π बराबर 180, तो 2π बराबर 180 में 2 का गुणा करेंगे तो 360, तो 2π लिख दिया। पर मिनट, मिनट नीचे आ रहा है तो मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो 60 का 60 सेकंड होते हैं तो 60 का भाग दे दिया, तो ये अब बन गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आरपीएम को रेडियन में बदला गया ये भी आपको आना चाहिए, नहीं तब भी क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। तो ये आ गया 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 101 आ जाता है, तो ये सेकंड 100 का सेकंड विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्पीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन हॉलो स्पीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस। तो कह रहा है कि हमारे पास एक ठोस गोला है और एक हमारे पास थिन हॉलो स्पीयर है, मतलब खोखला गोला है जो बहुत पतला है, जैसे प्लास्टिक वाली जो गेंद बच्चों वाली होती है उसके अंदर खाली जगह बहुत होती है और बाहर की परत बहुत पतली होती है, उस तरह का गोला है। तो कह रहा है इन दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन का हमको रेशियो बताना है, अगर उनका द्रव्यमान एम और आर हो, त्रिज्या आर हो, और सेम मास और रेडियस है दोनों की, खोखले गोले की भी और ठोस गोले की भी, और ओन अक्ष के अबाउट बताना है, इसकी मतलब स्वतः की अक्ष के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है।
इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आई सॉलिड, सबसे पहले हमको मोमेंट ऑफ इनर्सी यानी जड़त्व आघूर्ण के बारे में समझना पड़ेगा। तो ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² होता है। अब चूंकि रेडियस ऑफ गायरेशन हमको निकालना है तो mk² से तुलना करना पड़ेगा। तो ठोस गोला है तो सॉलिड लिख दिया, तो के सॉलिड हो गया √2/5 r। अब सिमिलरली दैट द हॉलो स्फीयर, अब खोखले गोले के लिए, तो खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्सिया 2/3 mr² होता है। तो इसको mk² से तुलना करेंगे तो के हालो आ गया √2/3। सो अब के सॉलिड अपान के हालो, मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन ठोस और खोखले की तुलना करना है गोले में, तो एक खोखले वाले की √2/5 और ठोस वाले की और खोखले वाले की √2/3। 2 2 कट गया, 3 ऊपर गया तो हो गया √3/5। तो ये दोनों का तुलना करने में आया √3 √5। तो 101 का चौथा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, चौथा विकल्प। अब 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज, तो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज, तो कह रहा है कि कोई एक वृत्ताकार पथ है या वृत्त है, तो उसके सर्कमफेरेंस में यानी उसकी परिधि में, परिधि का एंगुलर एक्सेलरेशन हमको बताना है। एक छल्ला एक तरह से मान लीजिए वो अपने परिधि के परितः घूम रहा है, तो कह रहा है उसके परिधि में एंगुलर एक्सेलरेशन यानी मोमेंट कोणीय त्वरण के लिए कौन से चार विकल्पों में से सही है। तो यहाँ पर देखिए जो कोणीय त्वरण होगा वो एलांग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगा। जब कोई वृत्ताकार पथ में कोई पिंड गति करता है तो जो अभिकेंद्र बल होता है जिसको सेंट्रिपेटल फोर्स बोलते हैं, तो केंद्र की तरफ होता है कि नहीं, तो उसी प्रकार केंद्र में ही एक्सिस है तो एलांग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज एलांग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो 102 का तीसरा विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन आर एक्सियल वेक्टर, सो दियर डायरेक्शन इज ऑलवेज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ध्यान दीजिए एक शब्द वेक्टर होता है और एक है एक्सियल वेक्टर। तो सिर्फ एंगुलर एक्सीलरेशन ही नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सीलरेशन हो, ये सब एक्सियल वेक्टर हैं। और चूंकि एक्सियल वेक्टर हैं तो इनका जो किधर होंगे तो एलांग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगे ऑलवेज, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमने आज नीट का ये चैप्टर जो अनसाल पेपर था, तो इस चैप्टर का वो ख़त्म कर लिया। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के बाद अब आगे केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।